हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, मोस्टली अभी ज़्यादा यूजर आ चुके हैं फेसबुक प्लेटफार्म के ऊपर फेसबुक पेज को या प्रोफाइल को मोनेटाइज करवाने के लिए, लेकिन मोस्टली ऐसे भी बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको भी सही तरीका नहीं मालूम है कि फेसबुक पेज पर या प्रोफाइल पर लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, क्योंकि सभी लोग क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन से अपलोड करते हैं। हालांकि वहां से अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा प्रोसेस, अगर आप उस वीडियो को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हो और आप वीडियो को अपलोड जब करोगे उस स्टेप के माध्यम से, तो आपका वीडियो पर अगर आप क्रिएटर स्टूडियो से जो वीडियो अपलोड किए हैं उस वीडियो में और इस वीडियो में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप क्रोम में जाकर अपने कंटेंट को अपलोड करोगे तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि येलो सीसी और ग्रीन सीसी और ब्लैक सीसी एली आप वहां से खुद से रिजॉल्व कर सकते हो, बट क्रिएटर स्टूडियो के अंदर ये सारा कुछ नहीं मिलता है। लाइक टाइटल आप डिस्क्रिप्शन यहां से भी लिख सकते हो क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर से, लेकिन आपको सब टाइटल ऑटो जनरेट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे, क्रोम से वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट में देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकिल और आप देख रहे हैं अकिल फॉर यूट्यूब चैनल। चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने डिवाइस के अंदर गूगल क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को सिंपली ओपन करेंगे। ओपन कर लेने के बाद इस तरीके से इंटरफेस हो जाएगा और यहाँ आपको सर्च का एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल आप सर्च के ऑप्शन पर टाइप करेंगे क्रिएटर स्टूडियो। मैं ऑलरेडी इस पेज को सर्च कर लिया हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपल बैक करके डायरेक्ट मैं उस पेज को ओपन कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड आप क्रिएटर स्टूडियो लिख के सर्च करेंगे तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना होगा एंड अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसा कि अभी आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे इस पेज पर आ जाओगे इस होम स्क्रीन के ऊपर, तो आप यहाँ पर साइड में देखोगे तो यहाँ आपको काफ़ी सारे टूल्स नज़र आएंगे और आपको चार नंबर पर एक टूल्स दिखेगा जिसको कॉन्टेक्ट के नाम से यहाँ पे बताया जाएगा। आप इसके ऊपर टाइप करोगे तो आपने अभी तक जितने भी इस फेसबुक पेज के ऊपर अपना कंटेंट को अपलोड किए होंगे या सारे शो हो जाएंगे, जैसा कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। अब न्यू कंटेंट यानी न्यू वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए ऑप्शंस कहाँ मिलेगा, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पोस्ट। आपको सिंपल सा इस क्रिएट पोस्ट ऑप्शन पर टाइप करना है। अगर आप रील्स क्रिएटर हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से रील्स वाले ऑप्शन पर टाइप करके अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको सिंपल वीडियो अपलोड करना है तो आप क्रिएट पोस्ट पर टाइप करोगे। थोड़ा सा यहाँ फ्रेंड्स लोडिंग लेगा और आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जो कि पहला ऑप्शन है फ़ोटो, सेकेंड ऑप्शन है वीडियो और थर्ड ऑप्शन है यूज टेम्पलेट। आप इस पर टाइप करके टेम्पलेट अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे, जिस तरीके से हम यूट्यूब पर एंड स्क्रीन को यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स वीडियो अपलोड करना है तो ऐड वीडियो पर टाइप करेंगे। ऊपर में फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन मिलेगा, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप और क्रिएट वीडियो फ्रॉम इमेज। आपको अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पर टाइप करना है। अब यहाँ आपका जो ही वीडियो और आपने यहाँ पे शूट किए होंगे, जो क्रिएट करके रखे होंगे, वो सारे वीडियो यहाँ पर शो हो जाएंगे। इनमें से आप जिस वीडियो को अपलोड करना चाहते हो उसके ऊपर आप सिंपल से टाइप करोगे और ऊपर में डन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टाइप करेंगे। अब यहाँ आपका जो वीडियो का प्रोसेसिंग है वो चालू हो, यानी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है मेरे वीडियो का। ठीक है, जब तक ये मतलब अपलोड हो रहा है तब तक आपको यहाँ पे और कुछ बेसिक काम करने होंगे। चलिए मैं बताता हूँ वो सब क्या करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे नीचे में, तो यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन अपलोड इमेज, जिसको कि हम थंबनेल बोलते हैं। जिस तरीके से आप यूट्यूब वीडियो पर थंबनेल सेट करते हो उस तरीके से यहाँ से आप वीडियो के ऊपर थंबनेल सेट कर सकते हो। अपलोड वीडियो पर टाइप करोगे, टाइप करने के बाद यहाँ मिलेगा ऑप्शन अपलोड इमेज, इस पर टाइप करेंगे। अब आपका गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बट यहाँ अगर आपका इमेज शो नहीं हो रहा तो आपको सिंपल ब्राउजर ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ आपको साइड में थ्री लाइन पे टैप करना है और यहाँ आपका गैलरी को सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे सारे फोटो शो हो जाएंगे जो आपके गैलरी मतलब गैलरी में अपने सेव करके रखा होगा। तो मैं यहाँ पर अपना पिक्सल लैब से जो भी थंबनेल बना के रखा हूँ, यहाँ पर सारे फोटो आ चुके हैं, सारे थंबनेल शो हो रहे हैं। अब इनमें से मुझे उस थंबनेल को अपलोड करना है जो उस वीडियो के लिए मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कहाँ पे वो शो हो रहा है, मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। चलिए, मैं यहाँ पे मुझे मिल चुका है, मैं उसको अपलोड कर दिया। अपलोड करोगे यहाँ पे आपका थंबनेल इस तरीके से शो हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो टाइटल और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइटल जो है वो रिक्वायर्ड है, आपको कंपलसरी देना होगा।
अब यहाँ आपको बॉक्स के ऊपर टैप करना है और आपका वीडियो किस टॉपिक पर है उस टॉपिक के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइटल कोड देना होगा, जिस तरीके से आप यूट्यूब वीडियो के लिए टाइटल देते हैं। तो मैं यहाँ पर बताया हूँ HDFC का ओल्ड से ओल्ड स्टेटमेंट किस तरीके से डाउनलोड करें। तो मैं यहाँ पर बताया था HDFC ओल्ड स्टेटमेंट, जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर टाइटल दे दिया हूँ HDFC ओल्ड स्टेटमेंट डाउनलोड इन PDF, यहाँ पर लिख देता हूँ इन PDF। अब फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हो। मैं अपना एक आपको ओपिनियन देना चाहूँगा कि आपको सिंपल क्या करना है, इसको ही कॉपी कर लेना है यहाँ से इस टाइटल को, और कॉपी करके इसी को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको लंबा चौड़ा लेक्चर यहाँ पर नहीं देना है। अब देखिए टाइटल भी हो गया और डिस्क्रिप्शन भी हो गया, अब यहाँ आपका थंबनेल भी सेट हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ आपको काफ़ी लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पर टैप कर रहे हैं, बट जब तक यहाँ पर 100% ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है, आपको आगे का प्रोसेस यहाँ से नहीं करना है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज का, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ आपको लैंग्वेज सर्च करना है। आपने वीडियो में जिस लैंग्वेज को यूज़ किया है, जैसे आपने हिंदी में बोला होगा तो आप यहाँ पर हिंदी सर्च करेंगे और हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि आपका जो वीडियो है वो फेसबुक या एल्गोरिथम है वो रिकमेंड करेगा हिंदी यूजर्स के पास, जिससे कि वो आपके वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। अगर आपका जो लैंग्वेज है हिंदी है तो इंग्लिश पर्सन के पास जाएगा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ आप डेफिनेटली अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिएगा जिस जो लैंग्वेज आपने वीडियो के अंदर बोला है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे नीचे में तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें नीचे में कहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा। देखिए आप नीचे में देखोगे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा, जस्ट आपको नेक्स्ट पे टाइप करना है। नेक्स्ट पे टाइप करोगे फ्रेंड्स आपको ऊपर मिलेगा एक ऑप्शन, देखिए यहाँ पे कैप्शन का और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, बट कैप्शन वाला ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है। और आप फर्स्ट टाइम इस गूगल क्रोम से यूज करके अपलोड कर रहे होंगे तो आपको सेटिंग पे टाइप करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर में आपको मिलेगा ऑटो जनरेट ऑप्शंस, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहेगा बट आपको यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे में तो आपको यहाँ पे जनरेटिंग इस तरीके से परसेंटेज होगा, तो वेट कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा बट हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है तो मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तब तक आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटो जनरेटेड यहाँ पर सक्सेसफुली मेरा हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ आपको फ्रेंड कुछ नहीं करना है, सिंपल आप नीचे में देखोगे तो यहाँ आपको नेक्स्ट का ऑप्शन से मिलेगा, सॉरी डन का, तो आपको यहाँ पे डन के ऑप्शन पे टैप करना है। चलिए मैं कर लेता हूँ, डन पे टैप करोगे अब यहाँ पे देखिए ऑटो जनरेटेड है और ग्रीन कलर में दिख रहा। और आप नीचे में देखोगे फ्रेंड्स आपको फिर से एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर मैं टू फिंगर्स के यूज़ कर रहा हूँ, आप भी टू फिंगर से स्क्रॉल कीजिएगा, वन फिंगर से ये पेज स्क्रॉल डाउन नहीं होगा या स्क्रॉल अप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे टाइप करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पब्लिश करने का ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर आप इस वीडियो को शेड्यूल करना चाहते हैं, और मैं अपना रिकमेंडेशन बताऊंगा कि आप शेड्यूल करेंगे तो बेटर रहेगा, आप वीडियो एग्जैक्ट टाइम पर अपलोड मत कीजिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको शेड्यूल के ऑप्शन पर टाइप करना है और यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करना है कि आप किस डेट में इसको शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ अपने हिसाब से डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ आपको टाइम के ऑप्शन पर टाइम सेलेक्ट करना होगा, आप किस टाइम में इस वीडियो को पब्लिश करना चाहते हैं। डेट और टाइम जब आप यहाँ पर सेट कर लेंगे तो नीचे फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट का, ठीक है, शेड्यूल का, सॉरी शेड्यूल का, जस्ट आपको शेड्यूल का ऑप्शन पे यहाँ पर टाइप करना होगा। शेड्यूल पे टाइप करेंगे यहाँ पर इस तरीके से प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वेट करने के बाद आपका जो वीडियो है वो शेड्यूल हो जाएगा और जो आपने डेट और टाइम सेलेक्ट किया है उसी डेट एंड टाइम में ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा, चाहे आपका मोबाइल का डाटा ऑफ हो या ऑन हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा मतलब शेड्यूल हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से अपने फेसबुक वीडियोस को क्रोम ब्राउज़र से अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाएंगे, और आप स्टेप बाई स्टेप सारे फीचर्स को जब कंप्लीट करोगे तभी आपका वीडियो ग्रो होगा, तभी आपका वीडियो मतलब अच्छे खासे रैंकिंग में मिलेगा और आपको व्यू मिलेगा, तभी आपका वॉच टाइम जो भी है 60,000 मिनट वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो आप इसी स्टेप से वीडियो को अपलोड कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको कोई भी मोनेटाइजेशन इशू देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।